हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो देखिए, मेरे पापा को कितनी चोट लगी है। समथिंग 20 दिन हो गए एक्सीडेंट हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो हम डेली वीडियो डालते हैं बट कोई उसमें रिएक्शन नहीं पता चल रहा। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम पब्लिक में जाके वीडियो बनाएंगे और पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है वो देखेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, जैसा भी होगा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, और हम लोग निकलते हैं वीडियो बनाने। तो हम जाने से पहले अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हम सक्सेस हों लाइफ में। आशीर्वाद दो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अब मिलते हैं आपको पब्लिक में। आज हम जा रहे हैं पब्लिक में, देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है। ये ट्राईपोड, ये जब हम पहुँच जाएंगे तब इसका यूज करेंगे। और ये देखो, मेरी चुड़िया है, मेरी मम्मा ने सावन पे पहनाई है तो अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने वॉच नहीं पहनी। मिलते हैं आपको पब्लिक में। तो दोस्तों, मैं घर से जैसे निकली तो मुझे ये बतासे वाले भैया मिले, तो मैं सोची पहले इन्हीं का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए इनसे मिल के बात करते हैं। आइए अंकल जी, हम आपसे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो जब आपने शुरू किया था लगाना तो ये बतासे कितने रुपए में बिकते थे? पहले 10 रुपए के 10 देते थे। 10 के 10 देते थे। अभी कितने हैं? 6। अभी 10 के 6 हैं। तो इतनी महंगाई बढ़ गई 10 साल में। पहले बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो चुका है। तो एक दिन में आप कितना बेच लेते हैं? एक दिन में बिक जाते 1400-1500। 1400-1500। तो कितनी इनकम हो जाती है आपकी? 2000-2500, कभी 1500, कभी 1200, कभी 800 अगर बारिश तो हो। आपकी मतलब लागत कितनी है? मतलब एक दिन की आपकी लागत कितनी हो जाती है इसमें? 500-600। और आपकी इनकम हो जाती है 2000-2500 रुपये। अच्छा काम है। ठीक है, ये डेयरी की शॉप पे आ चुके हैं और ये भाई जी लोग हैं, 3 भाई जी। तो मैं इनसे थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ सर, ये शॉप आपने कब ओपन की थी? एक साल हो गया। एक साल। इसमें क्या क्या सामान मिलता है? मतलब डेरी प्रोडक्ट, डेरी प्रोडक्ट, दूध, पनीर वगैरह मिलता है। तो अभी पनीर का प्राइस क्या है? 300 रुपये। 300 रुपये। तो जब आपने ये शॉप शुरू की थी तब पनीर का प्राइस क्या था? 280। तो अभी मतलब कि 20 रुपये का हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है। अच्छा, तो और कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी शॉप के बारे में? अपने शॉप का नाम बोल दीजिए। जे एम बी शॉप है और ये आवास विकास हंसपुरम में है। तो अगर आप किसी को भी ज़रूरत हो मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी लेने की, तो यहाँ भाई की शॉप पे आ सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू सो मच बात करें। ये एक शॉप है समोसे की, तो मुझे दिखी तो हम अंकल जी से बात करने आ गए। चलिए अंकल जी से बात करके देखते हैं। कम अंकल जी, पहले तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगत नारायण त्रिवेदी। जगत नारायण त्रिवेदी। आपने ये शॉप कितने दिन पहले खोली थी? 7 साल। 7 साल हो गए इसी जगह पे। ओह, तो जब आपने खोली थी तो ये रोड वगैरह बनी थी? हाँ। अच्छा, रोड पे फोकस करो। और ये जो इतनी और ज़्यादा शॉप हैं ये भी बनी थी? ये सब बनी थी। तो अभी आपकी कितनी बिक्री हो जाती है? कोई नियम नहीं है। मतलब फिर भी मतलब ये समोसा वगैरह बनाने में आपका एक दिन का कितना लागत लग जाता है? एक दिन में? हज़ार लग जाता है। और जो बिक्री हो जाती है वो कितना बच जाता है? 1000 से ऊपर का आपका 100-200 मिल जाता है। 100-200 मतलब एक दिन का 100-200 मिल जाता है। तो आपकी दुकान मतलब थोड़ा कम सही ग्रो कर रही है, इसमें कम से कम 500 तो बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि इधर एरिया के हिसाब से सबकी अपनी अपनी शॉप हो गई, इसलिए। तो अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि यहाँ पे और ज़्यादा पब्लिक सॉफ होनी चाहिए या क्या रिएक्शन है आपका यहाँ? हाँ, यहाँ पहली बार तो नोटिस लग गई है सरकार की। तो ये सारी दुकानें चली जाएंगी? सब भारी दुकानें चली जाएंगी। ओहो, मतलब यहाँ पे इतनी सारी जो सॉफ हैं तो नोटिस लगने मुझे सारी शॉप चली जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ। ये तो मतलब एक गंभीर मुद्दा है कि अगर यहाँ के सारी शॉप चली जाएंगी तो जो मतलब मीडियम क्लास के लोग हैं, शॉप लगाए हुए हैं, तो उनकी शॉप चली जाएंगी तो उनका रोज़ का खाने खराने का मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इनका रोज़गार चला जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सोचना चाहिए। हमारी जो इस एरिया के लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि मतलब ये दुकानें तोड़ने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, कितनी बेरोजगारी होने वाली। तो थैंक यू अंकल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो हम ये फ्रूट वाले भैया के पास आए हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मोहित गुप्ता। मोनू? मोहित गुप्ता। अच्छा, ये आपने शॉप कब शुरू की थी? शायद 4 साल पहले। 4 साल पहले।
तो ये मतलब इसी जगह पे शुरू की थी आपने 4 साल पहले, तो अभी सेब का दाम क्या है? 180 रुपये। 180। जब आपने शुरू की थी तब सेब का दाम क्या था? तब 100 रुपये थी। तब 100 रुपये, मतलब 80 रुपये बढ़ चुके हैं 4 साल में। तो अब ये केले का दाम क्या है? केले का दाम इस समय चल रहा है करीब 60 रुपये। और जब शुरू किया था तब क्या चल रहा था? तब तो शायद 30 रुपये चल रहा था। अच्छा, तो अब ये बताइए, मतलब आप जितना एक दिन में आपका सामान कितना बिक जाता है? एक दिन में 2000 रुपये करीब। 2000 बिक जाता है, तो मतलब आपकी एक दिन की लागत क्या है? एक दिन की लागत करीब करीब होती है शायद 2500 रुपये। 2500 होती है, और 2500 का बिक जाता है आपका सामान? 2000 बिक जाता है। तो मतलब आप जितना पैसा लगा सामान लाते हैं उतना आपका डेली निकल नहीं पाता है, लेकिन मजबूरी आपके सामान बेचना। तो आपके बच्चे भी होंगे घर में? तो मतलब मम्मी पापा होंगे? हाँ, तो मान सकते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए हर इंसान घर चलाने के लिए लगा हुआ है। तो चलिए, आपसे मिल के बहुत बहुत अच्छा लगा। ये आपकी शॉप हमीरपुर रोड पर पड़ती ना? तो भाई, ये भाई साहब की शॉप हमीरपुर रोड पे चल पड़ती है, फल फ्रूट की है। अगर आप कभी भी 10 दिन के लिए ये भाई से ज़रूर मिले, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, भाई ने बात बहुत अच्छे से की। तो आप आइए, इनकी हेल्प कराइए, इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा पहला वीडियो था कि हमने पब्लिक में जाके देखा कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। काफ़ी 3 से 4 या 5 वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, और मैंने देखा कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तो मतलब इग्नोर जैसा किया, बहुत उल्टा सीधा। मतलब उनका रिएक्शन था कि मुझे ऐसे लोग आते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कुछ होता नहीं है, ऐसा करके उनका रिएक्शन था। तो मैंने बोला उधर नहीं किया मैंने वीडियो रिकॉर्ड, बट जहाँ भी किया वो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि बहुत लोग आते हैं और वीडियो बना के ले जाते पर कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं होता। बहुत जगह तो ऐसा था कि सच में वहाँ पे ध्यान देने लायक है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोग सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने उस मुद्दे पर भी थोड़ी बात करने की कोशिश की। और दोस्तों देखो कितनी तेज़ धूप है, हम धूप में समझ लो जाके मैंने आज पहला वीडियो बनाया है पब्लिक रिएक्शन पे। तो प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा कि कैसा बना वीडियो, और सपोर्ट कीजिएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते हो। ये देखो पूरा चेहरा पसीना पसीना हो रखा है, पूरी नेचुरल ब्यूटी धुल गई है पसीने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो प्लीज़। बस इतना ही कहना है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।